बॉलीवुड में जब भी कॉमेडी फिल्मों की बात की जाती है तो हेरा फेरी का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। प्रियदर्शन की बेहतरीन फिल्म हेरा फेरी को पूरे 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इस फिल्म को आज तक फैंस ने याद रखा है और इस फिल्म का हर एक डायलॉग लोगों को आज भी उतना हंसाता है जितना कि 20 साल पहले हंसाता था। अब हेरा फेरी 3 को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, इसे लेकर एक्टर सुनील शेट्टी ने बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि सुनील शेट्टी हेरा फेरी फ्रेंचाइजी का अहम हिस्सा है। वहीं ई टाइम्स से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हेरा फेरी 3 के लिए काफ़ी उत्साहित है। वो कहते हैं कि हेरा फेरी 3 तो आकर ही रहेगी। बाबू भैया, श्याम और राजू को तो उम्र के किसी भी पड़ाव में समस्या हो सकती है। मुझे लगता है कि हम सिनेमा को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, हम काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और हमारी केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू की तरह काम भी करती है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जब सुनील शेट्टी की इस बात से फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जैसी कॉमेडी हेरा फेरी में दिखाई गई थी वैसी कॉमेडी किसी दूसरी फिल्म में देखने को नहीं मिली। इस बात पर सुनील शेट्टी भी समझते हैं और इसलिए वो इसके तीसरे पार्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। वैसे बता दें कि हेरा फेरी को 20 साल हो चुके हैं। इस खुशी में सुनील शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ी यादें ताज़ा की। तस्वीरों में अक्षय कुमार, सुनील, परेश रावल की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। अब इसका तीसरा पार्ट कब रिलीज़ होता है उसका इंतज़ार रहेगा और सुनील शेट्टी के बयान ने फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा बज भी बना दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि अक्षय कुमार भी एक स्क्रिप्ट के लिए राइटर डायरेक्टर से मिल रहे हैं और ये हेरा फेरी 3 हो सकती है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि वो सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कर रहे हैं, सभी से घर पर रह कर ही वीडियो कॉल के द्वारा मिल रहे हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। हेरा फेरी 3 के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देखो देखो को, जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि ये मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।